हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस स्टडी चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ HP TET मेडिकल 2009 जो हुआ था 12 तारीख को, उसका GK सेक्शन और भी पार्ट्स हम लेकर आएंगे। तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलते हैं हमारे GK सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट रामचरितमानस? तो इसका होगा ऑप्शन ए, तुलसी दास इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो कंसीडर बताए जा रही हूँ, वही उन्हीं को कंसीडर करें, और जो टिक्स लगे हैं उनको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि जो टिक्स हैं वो एग्ज़ाम में लगाए जाते हैं, और मैं आपको जो ऑप्शन करेक्ट हैं उसी के बारे में बताऊँगी। When the fundamental duties introduced in the constitution? तो fundamental duties को कब constitution में डाला गया था? तो ये होगा 42nd amendment थी और 1976 में। तो option B is the correct option। Next है, which electricity power house is constructed by Punjab government in HP? तो ऐसा कौन सा electricity power house है जो बनाया तो पंजाब गवर्नमेंट ने है पर HP में है? तो वो होगा सानन पावर हाउस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हेन द धामी गोलीकांड हैपन्ड इन HP? धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, मॉडरेट, इजी या टफ़, कैसा लगा आपको HP TET मेडिकल GK का सेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका होगा ऑप्शन बी, एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126, झांझर डांस इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर नृत्य कौन से जिला से है? दैट इज़ द चंबा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं सीरीज़ के हिसाब से, मेरे पास सीरीज़ ए है, तो आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127, व्हेन द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? की नेशनल फ्लैग को अपनाया कब गया था? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, मैकमोहन लाइन रिलेटेड टू विच कंट्रीज? तो इसका होगा इंडिया चाइना, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ये इन दोनों देशों के बीच की क्या सरहद की जो लाइन है उसको बोलते हैं क्या, मैकमोहन, इंडिया और चाइना के बीच में, और अगर आए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो होगी रेड क्लिफ्ट आ जाता है, ये आपको तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया? तो ये होगा 1950 में, इलेक्शन कमीशन जो है वो कब बना था? 1950 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? तो इसका होगा थॉमस कॉलेज रुड़की, IIT रुड़की या थॉमस कॉलेज ऑफ रुड़की, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो मैं बताए जा रही हूँ प्लीज़ उसी को कंसीडर करें और टिक्स को इग्नोर करें। हाईएस्ट पोलिंग बूथ ऑफ इंडिया इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो मतदान केंद्र जो है, पोलिंग बूथ सबसे हाइट पे कौन से जगह में है? हिमाचल में। तो इसका होगा लाहौल स्पीति इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और ये अगर जगह का नाम पूछें तो टशी गंग, और ये जो टशी गंग है इसमें अभी इसी साल ये पोलिंग बूथ कंस्ट्रक्ट हुआ था नया, इससे पहले और था, और यहाँ पे इसी साल जो MP के इलेक्शन हुए हैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे वोटिंग हुई थी, तो टशी गंग, और डिस्ट्रिक्ट आए तो लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन द वर्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो वर्मा जिसको म्यांमार भी बोलते हैं वो कब अलग हुआ था इंडिया से? तो वो हुआ था 1937 में, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
फर्स्ट इंडियन लीडर हु स्पीक इन हिंदी एट UNO? ऐसा कौन सा भारतीय नेता था जिसने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था? तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो इनका भाषण था ये बहुत ही उस टाइम फेमस हुआ था क्योंकि कि अपनी मातृभाषा में दूसरे देश में जाके यूनाइटेड स्टेट्स में जाके अपनी मातृभाषा हिंदी में भाषण देना, तो ये बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। जय स्तंभ इज सिचुएटेड एट। अब ये क्वेश्चंस में थोड़ा एरर है, प्रिंटिंग एरर, तो आप हिंदी मीडियम से कंसीडर करके बता सक मतलब पता लगा सकते हैं कि क्या पूछा है हमसे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ इज द में है जय स्तंभ स्थित। तो 135 क्वेश्चन, विच कंट्री गिव द राइट टू कॉस्ट द वोट फॉर वुमेन फर्स्ट। तो कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो वो थी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास भेन श्रीलंका गेट फ्रीडम। श्रीलंका जो है वो फ्रीडम स्वतंत्रता उसको कब मिली थी? तो वो होगा 1948। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज़ फ्रेंड्स जो मैं कंसीडर बोले जा रही हूँ उसी को कंसीडर करें वीडियोस में, और जो टिक्स लगे हैं उनको इग्नोर करें। भेन द RTI एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो RTI एक्ट कब लागू हुआ था इंडिया में? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। RTI होता क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत हम किसी भी सरकारी कार्यालय से क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन की मांग कर सकते हैं और वो उनको हमें एक तय अवधि के भीतर देनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 138 क्वेश्चन, भेन द कश्मीर वॉज मर्ज्ड इन इंडिया। कश्मीर का कब मर्ज हुआ था इंडिया में? तो इसका ऑप्शन होगा ए 26 अक्टूबर 1947। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड ऑन, मतलब हस्ताक्षर कब हुए थे भारतीय संविधान पे? तो ये हुए थे 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आए कि अडॉप्ट कब किया था, अपनाया कब गया था संविधान, तो वो भी 26 नवंबर 1949। और अगर पूछें कि फोर्स्ड कब हुआ था, लागू कब किया गया था, तो इसका होगा 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, जिस दिन हम क्या मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज। तो प्लानिंग कमीशन के जो हैं वो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो थे हमारे फर्स्ट PM थे। तो जो योजना आयोग जो होता है प्लानिंग कमीशन, उसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा PM ही होता है। अभी हाल ही में आजकल जो है वो नरेंद्र मोदी PM है, तो वो हैं प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। और फर्स्ट PM जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, तो वही क्या होंगे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ अ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च्ड ऑन। तो इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च्ड ऑन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। 18 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च की गई थी फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया के द्वारा आर्यभट्टा। ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सैटेलाइट कौन थी जो इंडिया ने लॉन्च की थी, तो दैट इज़ द आर्यभट्टा। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑफिस पिन कोड स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। तो पोस्ट ऑफिस के जो पिन कोड है हमारे पास वो कब स्टार्ट हुए थे? तो वो हुए थे 15 अगस्त 1972 को। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि कैसा लेवल लगा आपको, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143, डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन। तो डांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो वैसे ये 12 मार्च 1930 को ही थी स्टार्ट, पर यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसी है नहीं, तो यह तो 11 हो सकता है इसका, या तो सी ऑप्शन 13 मार्च हो सकता है। तो अब ये की पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर वो कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये डाउट में ही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
अगर आप में से किसी को कंफर्म है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वैसे मैं अगर आपको गलत आंसर्स के टिक करवाऊंगी तो फिर वो वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 144th क्वेश्चन, राज्यसभा डिसॉल्वड आफ्टर। तो राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व कितने सालों बाद होती है, तो इसका होगा नेवर। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, जो इसके मेम्बर्स हैं वो 2/3 मेम्बर जो हैं वो 6 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर न्यू मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये कभी भी विघटित नहीं होती है, ये एक परमानेंट क्या है, संस्था है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड फ्लावर हॉल ऑफ शिमला वाज मेड अप बाय, तो इसका होगा ऑप्शन सी लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर के द्वारा बनाया गया था और ये इनका क्या भी था, रेजिडेंशियल प्लेस भी था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146, नयन सरोवर लेक इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो नयन सरोवर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी कुल्लू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज जहाँ, तो सर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 1862 डिग्री फारेनहाइट। पर मेरे आईडिया से ये ऑप्शन ए होना चाहिए। अब इसमें भी डाउटफुल ही है, देखते हैं अब की आने पे क्या होता है। तो प्लीज़ अगर आपको कंफर्म है इसका आंसर तो कंफर्म करके बताएं। इंडिया वॉन हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम ऑन, तो इंडिया ने पहली बार हॉकी का विश्व कप कब जीता, तो इसका होगा ऑप्शन सी 1975। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्स कप इज़ एसोसिएटेड विद द गेम, तो रॉबर कप कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो ये है फुटबॉल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल इन द अर्थ इज़, तो ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य पानी कितना है, तो ऑप्शन बी 3% और ऑप्शन डी 2%, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि वैसे इसका अवेलेबल आंसर है 2.5%। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगी, पर ये की आने पे ही हम कंफर्म जो है वो बता सकते हैं क्योंकि ये 2.5% अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें और बहुत सारा शेयर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।